नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग मध्य प्रदेश शासन के जिला अनूपपुर में फिर से भर्ती निकल चुकी है, तो उसकी लास्ट डेट क्वालिफिकेशन ये आपको जानकारी देने वाले हैं, कितने वर्ष की है, ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म भराने वाले हैं, इसमें कुछ नया अपडेट है तो आपको ज़रूर हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हाँ, एक और बात, अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सभी को अपडेट वहाँ से भी मिल सके, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने को आपको एक भी रुपया नहीं देना है। कार्यालय कलेक्टर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश शासन 31/8/2024 के जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, और मैं आपको बता दूं ये पूर्णतः ऑफलाइन आवेदन है जिसकी लास्ट तारीख 29/9/2023 रखी गई है, ठीक है, जिसमें आपको जो एड्रेस बताया जाएगा उसी पर आपको जो है वो आपका आवेदन क्रमांक भेजना है, या तो आप खुद से जाकर दे सकते हैं या फिर रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। 29/9/2023 शाम 5:30 बजे से पहले पहले आपको आवेदन जमा करवाना है। कहाँ जमा करवाना है? जिला कार्यालय सामाजिक एवं न्याय सशक्तिकरण विभाग जिला पंचायत अनूपपुर में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से पद यहाँ पर रखी गई है। उक्त परिचय में आवश्यक सामग्री योग्यता अर्हताएं जिले की एनसीआर द्वारा विकसित वेबसाइट कार्यालय कलेक्टर जिला पंचायत अनूपपुर के नोटिस बोर्ड पर भी अवलोकन आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं भर्ती के बारे में। क्लिनिकल मनोचिकित्सक पुनर्वास साइकोलॉजिस्ट की पद है, इसी में टोटल सभी में एक पद है और आप शैक्षणिक योग्यता पोस्ट के आधार पर आप देख सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें आप आवेदन कर रहे हैं उसका आवेदन जो पोस्ट आप भेज रहे हैं उस पर जरूर लिखकर भेजिए किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। क्लिनिकल मनोचिकित्सक में आपको 20,500 रुपये प्रतिमाह देखने को मिल जाएगा। वरिष्ठ फिजियोथेरापिस्ट में आपको 25,500, इसमें भी एक पद देखने को मिल जाएगा। सीनियर प्रोक्टोलॉजिस्ट में आपको 25,500 रुपये मिलेगा, जिसमें भी आपको एक पद देखने को मिल जाएगा। सीनियर स्पीच में भी आपको एक पद देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 25,500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। प्रोटोटिस्ट में आपको भी एक पद देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 16,000 रुपये प्रति माह दिए जाएगा। हियरिंग असिस्टेंट जूनियर स्पीच में आपको 16,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें आपको एक पद देखने को मिल रहा है। मोबिलिटी स्ट्रक्चर में आपको एक पद देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 14,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, ठीक है। मल्टीपर्ज में आपको एक पद देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 14,500 रुपये इसमें भी सैलरी देखने को मिल रहेगी। ट्रांस डिसिप्लिनरी में आपको देखने को मिल रहा है, एक पद देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको 16,000 रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी। अकाउंटेंट कम क्लर्क कम स्टॉक कीपर, इसमें भी आपको 2 वर्षों का अनुभव चाहिए, जिसमें एक पद आपको देखने को मिल रहा है और 14,000 साढ़े 14,000 रुपये पेमेंट देखने को मिल रही, ठीक है। अभी तक मैंने जितने जिले की भी आपको बताई है सामाजिक न्याय दिव्यांगजन विभाग की, पर उसमें इतनी पोस्ट नहीं है जितनी की आपको अनूपपुर जिले में मिल जाएगी। टोटल 14 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद है अटेंडेंस फ्यून मैनेजर में आपको 9,500 रुपये प्रतिमाह देखने को मिल जाएगी। वैकेशनल काउंसलर कम कंप्यूटर असिस्टेंट, इसमें आपको 14,500 रुपये देखने को मिल जाएगी, एक पद है। एडमिनिस्ट्रेटिव में आपको एक पद देखने को मिल जाएगा और 18,000 रुपये प्रतिमाह आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। और चौकीदार की 8वीं पास है, जिसमें आपको 8,000 रुपये प्रतिमाह देखने को मिल जाएगी। विज्ञप्ति के बिंदु क्रमांक 1 से लेकर 9 तक के समस्त पदों के लिए भारतीय पुनर्वास परिसर ICI का वैध जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। उक्त पद के लिए संबंधित में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आपको अनिवार्य है। उपरोक्त सभी पद एकांकी होने से आरक्षण प्रावधान से मुक्त होंगे। आपकी जो आयु 1 जनवरी 2023 के अनुसार 18 वर्ष है, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। दोस्तों यह नियुक्ति पूर्णतः संविदा पद पर है और केवल 1 वर्ष के लिए आपको नियुक्ति किया जा रहा है। यदि आपके द्वारा सेवाएं संतोषप्रद या संतोषप्रद पाई जाती है, मतलब आपने कार्य अच्छा किया है, लगन से किया है, मन से किया है, तो आपकी सेवा में पुनः वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद पुरुष की आयु होनी चाहिए 40 वर्ष,
ठीक है, पुलिस की आयु लगभग 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर आरक्षित वर्ग का है तो 45 वर्ष आयु आपकी चल जाएगी, और महिला की आयु तो 45 वर्ष होना ही चाहिए। ठीक है, 45 वर्ष मिनिमम न्यूनतम रखी गई है। संविदा पर नियुक्त विशेषज्ञ कर्मचारी को शासन द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जाएगा। आवेदन पत्र की बात कर ले तो दोस्तों, आवेदन पत्र को यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको आवेदन पत्र देखने को मिल जाएगा, जिसे आपको भरकर, जो पता आपको सब वीडियो के स्टार्टिंग में बताया गया था, उसे आपको उस पते पर आपको भेजना है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में निकली है दोस्तों, तो इसमें जरूर अप्लाई करिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई और अपडेट आती है तो आपको जरूर प्रोवाइड कराएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर देना। मिलेंगे एक बार फिर से नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।